हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 14th जून की क्विज का सोल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल स्कोर ऑफ 5। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको पता है टोटल जो आउटकम्स होते हैं, टू डाइस आर थ्रोन, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाते हो, 36, 1, 1, 1, 2 इस तरह। अब नेक्स्ट क्या करना है, फाइंड फेवरेबल केसेस। तो आपके जो फेवरेबल केसेस हो गए जिसमें टोटल आपका स्कोर कितना होगा 5, तो वो हो गए 1, 4 या फिर 4, 1, 2, 3, 3, 2, ये हो गए। कॉमा लगा सकते बीच में, दैट मीन्स लेट ई बी द इवेंट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने आ गए आपके, 4। देन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल केसेस ओवर टोटल नंबर ऑफ केसेस, दैट मीन्स 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, ये क्वेश्चन है आपकी पैराबोला की, विद द फोकल डिस्टेंस 12 इज व्हाट। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, एंड कंपेयर इट विद जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वेयर 4a इक्वल टू 12 एंड a इज इक्वल टू 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो फोकल डिस्टेंस है वो दिया है आपके पास 12। फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x प्लस a इज इक्वल टू 12। एक्स प्लस a इज 3 इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू भी आ गई और a इज इक्वल टू 3 भी है। अब आपको क्या है, ये जो जनरल इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, एक्स कितना है 9, तो दिस इज 108। तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, 6 जा 36, 36 3 जा 108। तो आपका कितना आया है, एक्स की वैल्यू आई 9, वाई की वैल्यू आई 6√3। तो दिस वन इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेट साइन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स डीएक्स। वी नो दैट कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 90 माइनस एक्स, बस यही अप्लाई करना है। यहाँ पे हम कॉस एक्स की वैल्यू डाल देते हैं, इंटीग्रेट साइन इनवर्स साइन 90 माइनस एक्स। तो आपको पता है ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, पाई बाय 2 माइनस एक्स साथ में डी एक्स। अब आपको इंटीग्रेट करना है, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, तो क्या हो जाएगा, 1 डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, तो पाई बाय 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इज गिवन बाय, यदि आई एस एन, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज व्हाट। देखिए फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस 1, ये है कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। बट आपके पास ए एन तो है ही नहीं, तो एक और फॉर्मूला होता है जब एस एन फॉर्म में दिया होता है, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। पहले आपको ए एन निकालना है, फिर आपको डी निकालना है, दैट मीन्स तो आपके पास जो ए एन निकलेगा क्या निकलेगा, एस एन कितना है 3n प्लस 2n स्क्वायर माइनस एस एन माइनस 1, 3n की जगह n माइनस 1 एंड सेम n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 3 प्लस ये a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर साथ में 2 था, b स्क्वायर 1 और बाहर 2 था, माइनस 2 इंटू ए बी, 2n और बाहर 2 था, दैट मीन्स 4n। तो ये आप अगर ओपन करेंगे 3n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 3 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4n, पहले सॉल्व भी कर सकते थे अंदर, वो आपकी मर्जी है, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, अब क्या बचा आपका 1 एंड 4n, दैट मीन्स an इज इक्वल टू 4n प्लस 1। तब हो गया nth टर्म आ गई, तो nth टर्म ऑफ ap अगर गिवन है तो आप यहाँ पुट कीजिए, यहाँ भी आप एक और कीजिए, an माइनस 1 भी सॉल्व कर लेते, an माइनस 1 कितना हो जाएगा 4n माइनस 1 प्लस 1, दैट मीन्स 4n माइनस 4 प्लस 1, 4n माइनस 3, क्लियर। तो d क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू ए एन 4n प्लस 1 एंड माइनस एन माइनस 1 4n
माइनस थ्री, दैट मीन्स d इज इक्वल टू फोर एंड फोर एंड कैंसल, वन प्लस थ्री आपका d, कॉमन डिफरेंस इज फोर। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है, आपके पास डिटर्मिनेंट ये दिया है और ये भी दिया है, इक्वल दिया है, फाइंड आउट करना है x। तो जैसे हम डिटर्मिनेंट करते हैं वैसे करते हैं, टू एक्स क्या माइनस वैसे करेगी इसको 40, और ये हो गया 6 3 18 प्लस 12 14, दैट मीन्स 2x² माइनस 40 और माइनस 32 इक्वल टू 0, एंड 2x² माइनस 72 या फिर इक्वल टू 72 कर लेते हैं, x² इक्वल टू 36 एंड x इज प्लस माइनस 6, तो फाइनल आंसर इज प्लस माइनस 6। आई होप क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही, डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए और ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।